एक राजा ने अपने गुरु से पूछा कि मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दें कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए मैं उस दुख से पार निकल जाऊं, उस दुख को भी पार करके जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तो उस गुरु ने एक कागज पे उसे कुछ लिख के एक ताबीज में बांध के दिया। उसके गुरु ने कहा, इसे तब खोलना जब जीवन में सबसे बड़ा दुख आ जाए। तो राजा ने वो तावीज लेके संभाल के अपने पास रख लिया। उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब किसी दूसरे देश के राजा ने इसके देश पे हमला कर दिया। इस राजा का सब कुछ छिन गया, इसका राज्य, इसका धन, इसकी प्रजा, और उसे अपना देश छोड़ के वन वन भटकना पड़ा अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। अन्न तक खाने के लिए वो राजा तरसने लगा। जब ऐसा कठिन समय उसके जीवन में आया तो उस राजा को अपने गुरु की बात याद आई और उसने सोचा कि मेरे गुरु ने कहा था कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाए, सबसे बड़ा दुख आ जाए, तो इसे खोल के पढ़ लेना तो वो दुख टल जाएगा। उस राजा ने वो तावीज खोला और जो कागज था वो खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये वक्त भी टल जाएगा। जब उस राजा ने ये बात पढ़ी तो उसे बहुत हिम्मत आई। ये बात पढ़ के वो राजा अपने खास लोगों से मिला और अपने मंत्रियों से मिला, नगर के वफादार लोगों से मिला। वो सब राजा के साथ हो गए। उसने फिर अपनी सेना बनाई, फिर उस राजा पे आक्रमण करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। हम भी जीवन में दुखी सुखी होते रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि दुख से बचते रहें, लेकिन याद रखें, चाहे सुख का वक्त हो चाहे दुख का वक्त हो, ये दोनों समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। दुख सुख दो चीजें नहीं है, दुख सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जानते भी नहीं शायद, आपने सुख की इच्छा की, साथ में आपने दुख भी मांग लिया। आप जानते ही नहीं कि आप दुख से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, दुख से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सुख से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, वो रोता है कि हमको संतान नहीं है, बेटा नहीं है। जब हो जाता है तो उसी औलाद से माता पिता परेशान हो जाते हैं कि गलत संगत में है, बात नहीं सुनता, फिर दुखी हो जाते हैं। हमें अभी तक ये समझ नहीं आया है जीवन में कि हमारा दुख सुख है किस में। हमको लगता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, पर हम सुखी होते नहीं हैं। जो हमें मिल जाता है तो हम और दुखी हो जाते हैं, जो नहीं मिलता तो सुख की आशा बनी रहती है। और यदि हम इस बात को समझ जाएं कि ये सागर की लहरों की तरह
जीवन में सुख दुख की तरंगे उठती ही रहेंगी, और इन तरंगों के बीच अगर मैं हिम्मत बांध के खड़ा हो जाऊं, ठहर जाऊं, तो मैं इस सुख दुख के सागर को पार कर जाऊंगा। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं? हम सुखों को बांधने की कोशिश करते हैं और दुखों का दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैसा होता नहीं। अपने जीवन के अनुभव से एक बात सीखें हम कि कोई भी सुख सदैव हमारे जीवन में नहीं रहा, और कोई भी दुख वो भी हमारे जीवन में सदा नहीं रहा। संसार का अर्थ यही है, संसर्ति इति संसार, जो सरकता जाता है, बदलता जाता है। आज कुछ और है, कल कुछ और, फिर कल कुछ और होगा। यदि इस सत्य को हम स्वीकार कर लें और समझ जाएं कि दुख आया है वो भी जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा, तो ये दुख सुख हमारे मन को पल पल में प्रभावित नहीं करेंगे। हम अपने आप को बाहरी परिस्थितियों में स्थिर कर पाएंगे, स्वयं को संभाल पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो भी लाइफ में आया है ये वक्त भी टल जाएगा। मुझे इस सुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में स्वयं को स्थिर करके रखना है, प्रसन्न रखना है। मुझे और कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि एक निश्चय कर लें कि बाहर की परिस्थितियों के बदलने से मैं अपने हृदय की प्रसन्नता को नहीं बदलूंगा, तो बाहर की परिस्थितियां हमें क्षण क्षण में दुखी सुखी नहीं कर पाएंगी, और उन परिस्थितियों में भी हम कोई नया मार्ग हमेशा ढूंढ निकालेंगे।